कर बड़े होते हुए बच्चों को दूर से देखकर बड़ा हो रहा था कपिल। वो किसी खेल का हिस्सा कभी नहीं बन सका। माँ गुजर चुकी थी, सिर्फ पिता का प्यार और सहारा था जिसने कपिल को कभी अपनी लाचारी का एहसास नहीं होने दिया। कपिल बड़ा हुआ, बिना किसी सहारे के चलने की इच्छा पूरी की, सिर्फ अपने आत्मबल के सहारे। लेकिन अपने आसपास विकलांगता के प्रति लोगों का रुख कपिल को झिंझोड़ देता। सरकार की सहूलियतें पाने के लिए एक विकलांग व्यक्ति को प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, और वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए विकलांग व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत होती है, जिसका सामना मुझे भी करना हुआ। 89 में मैं वहाँ सर्टिफिकेट बनाने गया था और 92 में मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, जिसके जरिए मैंने जब से संघर्ष अपना स्टार्ट किया कि मैं क्यों ना उन लोगों को बता पाऊँ जो लोग सर्टिफिकेट बनाने में कामयाब नहीं हो पाते। नींव पड़ी विकलांग सहारा समिति की। पिछले 11 सालों में करीब 600 लोगों के लिए विकलांग प्रमाण पत्र दिलवाने के अलावा समिति विकलांग बच्चों को आम बच्चों के साथ स्कूल्स में एडमिशन दिलवाती है, ताकि वो अपने आप को इस समाज का हिस्सा माने और समाज भी उन्हें अपनाए। इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करीब 250 बच्चों को ऐसी तालीम दी जाती है ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यहाँ ट्रेनिंग लेने वालों में विकलांग और आम दोनों ही तरह के लोग आते हैं। ये तालीम बिल्कुल मुफ्त है। इंडिविजुअल डोनर्स कुछ एक दो हैं, डॉक्टर केपी सन्याल हैं, रोशिला गंजू हैं और डॉक्टर मधुकांत हैं। ये तकरीबन कुछ और लोग भी हैं जो लोग हमें दान स्वरूप कुछ राशि देते हैं और उससे हम अपना इस संस्था का फंक्शनिंग करते हैं। कृत्रिम अंग भी यहाँ दिए जाते हैं। इसके बाद रोजगार शुरू करने के लिए समिति बैंक से कर्ज का इंतजाम भी करती है। कपिल की बदौलत आज 450 लोग अपनी विकलांगता भुलाकर खुद काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। कपिल हर किसी को सिर्फ यही संदेश देना चाहता है कि ऐसा कोई सफर नहीं जो एक विकलांग व्यक्ति तय ना कर पाए। जरूरत है सिर्फ चलते रहने की।